कितने ही हिट गीतों के साथ सरोज खान को याद किया जाता रहेगा। जैसे आपको उन्होंने अपने कफन के पैसे दे दिए थे, आपने बात कही थी, वो क्या था और क्या है सीन वो? सर, हमारे मुसलमानों में लोग जो उमरा जाते हैं या मक्का, आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज, उमरा जाते हैं या हज जाते हैं, उधर से लोग चाहते हैं कि कफन उठा के लेके आते हैं अपने ओल्ड एज के लिए, कि अगर हमको कभी भी कुछ हो जाए तो ये कफन से हमको भेज देना। मेरी मम्मी ने मुझे लॉकडाउन से काफी पहले, आई थिंक 2 महीना पहले, ऐसे ही मेरे हाथ में 3,000 रुपए दे दिए थे। थैंक्स टू सरोज जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया मेरे। वेल, नगीना द क्लाइमैक्स डांस, तो उसके पीछे बहुत एक फनी स्टोरी था। हम लोग जो शूटिंग कर रहे थे, सेट ख़त्म हो गए और शेड्यूल ख़त्म होने वाली है, और प्रोड्यूसर ने आके सरोज जी को बताया अभी सिर्फ ये क्लाइमैक्स गाना रह गया और सेट कल तोड़ रहे हैं, अब एक ही दिन रह गया आपको ख़त्म करना है। तो यू नो हाउ सरोज जी, शी सेड नो प्रॉब्लम श्री, आप 7 बजे सुबह आ जाओ और हम लोग रात तक शूटिंग ख़त्म कर लेंगे। एंड 6:45 आई वॉज देयर एट द सेट। हम लोग लगेदार शूटिंग गाना शुरू किया और धीरे धीरे से पूरे चारों तरफ सेट तोड़ने शुरू कर दिया, क्या हो गया। और लास्ट 4 बजे सुबह, आई मीन सिर्फ एक म्यूजिक रह गया और हमको मिल गया सिर्फ एक दीवार। और हरमीत जी डायरेक्टर ने बोला जितना आपको ये म्यूजिक में डांस करना है सिर्फ आपको दीवार के सामने करना पड़ेगा। सो दैट वाज रियली मेमोरेबल सॉन्ग फॉर मी जी, और वो दर्शकों को अभी तक याद है। वाकई वो एक ऐसी परफॉर्मेंस थी कि लोग आपको एसोसिएट करते हैं उससे, लेकिन तो पता है तो हमने क्या चीटिंग किया। जुलाई 2020, हृदय रति के रुकने के साथ ही सरोज खान के नए स्टेप्स देखने की दर्शकों की हसरत जरूर अधूरी रह गई, लेकिन पहले से जीवन प्रचलित नृत्य, उनकी अदाएं, उनका अंदाज, उनके गति, उनका असर हमारी जिंदगी की लय पर हमेशा थिरकता रहेगा। दोस्तों, आज हम उस शख्स का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से कई प्रसिद्ध नायक नायिकाओं से थिरकाया, नचाया और दर्शकों का मन बहलाया और सिनेमा को यादगार नृत्य गीतों की सौगात दी। जी हाँ, जिन्होंने ऐसे गीतों का कोरियोग्राफ किया जिन्हें सुनना तो अच्छा लगता ही है, पर पर्दे पर उन गीतों के नृत्यों गजब ही ढा दिया था। डांस मूव्स इतने पॉपुलर हुए कि उन अदाओं के साथ इस फनकार का नाम जुड़ गया और आप और कोई नहीं बल्कि हैं हिंदी फिल्मों की पहली महिला कोरियोग्राफर सरोज खान। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप, कहिए क्या सुनेंगे आप। चालीस साल के एक लंबे करियर में आपने लगभग 3,000 से ज़्यादा नृत्य गीतों को निर्देशित किया है। सरोज खान का मूल नाम निर्मला नागपाल था। 22 नवंबर 1948 को
इनका जन्म बॉम्बे स्टेट के बॉम्बे यानी मुंबई में हुआ था। 3 वर्ष की उम्र से ही इनका संबंध फिल्मों से बन गया था। नजराना फिल्म में बेबी श्यामा के साथ ये बाल कलाकार के रूप में देखी गई थी। शुरुआती सफ़र में इनका बैकग्राउंड डांसर के रूप में 1950 के दशक के अंत तक रहा। बिसू हल्लाल जो उस वक्त के सफल नृत्य निर्देशक थे, उनसे निर्मला ने नृत्य सीखा। बाद में उनसे ही बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ब्याह भी कर लिया। हम निर्मला यानी सरोज खान की शादी की बात भी कर रहे थे। बिसू हल्लाल इनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। शादी ज़्यादा वक्त तक नहीं चली। फिर वक्त ने सन 1975 में निर्मला को एक व्यापारी सरदार रोशन खान से मिलवाया और ये साथ ता उम्र चला। सरोज खान का फिल्मी सफ़र साहित्य नृत्य निर्देशिका के रूप में कुछ साल चला। फिर आई 1974 की साधना की फिल्म गीता मेरा नाम। और इस फिल्म के जरिए सरोज खान को एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में पहला ब्रेक मिला। इस ब्रेक से ही उनकी दुनिया बदल गई हो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य का साथ जाहिर है इन्होंने नहीं छोड़ा। श्रीदेवी के नृत्य गीत के साथ सरोज खान के नाम में चमक भर गई। फिल्म थी 1987 की मिस्टर इंडिया। श्रीदेवी की ये नगीना और फिल्म चांदनी, इन फिल्मों के नृत्यों में सरोज खान की बरसों की मेहनत स्पष्ट रूप से निखर कर सबके सामने आई और सभी दर्शकों ने इन्हें बड़े प्यार से अपनाया। फिल्म कलाकारों के बीच मास्टर जी के रूप में प्रसिद्ध सरोज खान ने लगभग हर फिल्म कलाकारों को अपने स्टेप्स पर नचाया है। श्रीदेवी के सुपरहिट गीतों की कामयाबी के साथ नृत्य कुशल माधुरी दीक्षित के साथ सरोज खान का ऐसा जादू चला कि उनके प्रभाव से दर्शक चकाचौंध हो गए। 1 2 3 हो, तम्मा तम्मा या फिर धक धक, ये गाने सिर्फ गाने नहीं रह गए, गानों के साथ देखा गया नृत्य भी आंखों में समा गया और कलाकारों के प्रतिभा के साथ सरोज खान की कोरियोग्राफी और दर्शकों की आंखों का संगीतमय हिस्सा बन गई। नृत्य के प्रचलित कई विधाओं में फिल्म नृत्य विधा भी कमाल की है। इसने हमारे कई संगीत प्रेमियों को आकर्षित किया है। 80 और 90 के दशक के फिल्मी पर्दे सरोज खान की कोरियोग्राफी से खुश थे, चमक रहे थे, नाच रहे थे, ठिरक रहे थे। उनके नृत्य निर्देशन में शास्त्रीय और लोक नृत्यों के तत्व शामिल तो थे ही, जो कहानी, गीत और परिस्थिति अनुरूप नृत्य कलाकार का बखूबी पर्दे पर चित्रण कर रहे थे। सरोज खान द्वारा निर्देशित गीतों में जहां गीत सुनाई देता है, वहीं नृत्य भी छुपा नहीं रहता। उसकी जीवंतता गीत के हर प्रभावी शब्द भावों के साथ आंखों के सामने आ जाते हैं। सरोज खान के जीवन को अगर हमें समझना है, उनकी जिंदगी के सफर को अगर हमें देखना है, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कराची में एक समृद्ध व्यापारी थे सरोज खान के पिता किशन चंद साधु सिंह, लेकिन 1947 में विभाजन के साथ ही वो शुभ सुविधाएं वहीं रह गईं। भारत में बस गया ये परिवार। फिर कुछ वर्ष कठिनाइयों का सफर शुरू हुआ। अपने एक वाक्य में सरोज जी बताती हैं कि कैसे शशि कपूर से उन्होंने आर्थिक मदद मांगी थी और उनकी वो आंशिक मदद वो हमेशा याद रखती रहीं। वैसे तो सरोज खान ने औपचारिक रूप से नृत्य का प्रशिक्षण तो नहीं लिया था, पर सोहन लाल जी ने इन्हें नृत्य के गुण सिखाए। कथक के साथ साथ फिल्मी भाव भंगिमाएं और नृत्य की मूल भाषा इन्होंने उनसे ही सीखी। कठिन प्रशिक्षण के साथ उनकी शिक्षा ने ही इन्हें एक अच्छे डांसर के रूप में बदल दिया, ऐसा हमेशा मानना रहा है सरोज खान का। माधुरी दीक्षित सरोज खान को गुरु के रूप में ही मानती रही हैं। उनके साथ के कारण से ही मैं अपने नृत्य के चरम को प्राप्त कर सकी, ऐसा मानना है माधुरी दीक्षित का।
कई नृत्यों को समर्पित मंचों पर सरोज खान सक्रिय रूप से नजर आईं। अपनी उपस्थिति से निश्चित रूप से इन्होंने हर मंच की गरिमा को बढ़ाया। इनके द्वारा निर्देशित नृत्यों के लिए इनको 2003, 2006 और 2008 के लिए 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया और 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। अब एक संगीतमय गीतों का मिश्रण जिसने सिनेमा को विभिन्न अदाएं दी, दर्शकों को लुभाया और नृत्य का आनंद बसाया। सरोज खान की नृत्य क्षमता ने दिल की धड़कन का एहसास दिलाया। इनकी बताई अदाओं पर थिरकी नृत्यांगनाओं ने दर्शकों का मन डोलाया। सरोज खान ने इंतजार के दिनों को 1, 2, 3, 4 से 20 तक थिरकाया। ऐसी नृत्य प्रतिभा की मलिका, व्यवहारिक स्वभावों की फनकार, जिसने भी इनसे राब्ता बनाया, इनके जाने के बाद पूछे बिना नहीं रहा। कितने ही हिट गीतों के साथ सरोज खान को याद किया जाता रहेगा। 3 जुलाई 2020 हृदय रति के रुकने के साथ ही सरोज खान के नए स्टेप्स देखने की दर्शकों की हसरत जरूर अधूरी रह गई, लेकिन पहले से जीवन प्रचलित नृत्य, उनकी अदाएं, उनका अंदाज, उनकी गति, उनका असर हमारी जिंदगी की लय पर हमेशा थिरकता रहे।